अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। देखिएगा हेडिंग बनाइएगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक का नाम है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है, द इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। जो क्या है अपना इक्विलिब्रियम है ना, क्या है इक्विलिब्रियम, इसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, कैन बी बेटर अंडरस्टूड ना, इस जो इक्विलिब्रियम है ना इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अंडरस्टूड। इफ वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट बॉक्स, एग्जांपल ले लिया ट्रांसफर, जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसका एग्जांपल लिया, कैरी अ यूट्यूब विद मर्करी। ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिखाता हूं आपको, जैसे ये है बॉक्स है ना, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बनाता हूं आपके लिए, जैसे तो ये बॉक्स हमने बना दिया, तो इसके अंदर क्या बोलता है, तो जैसा कि हमने ये दो बॉक्स बनाए तो इसके अंदर क्या बोलता है तो वो हम देखते हैं। दोबारा देखिएगा, इसमें ये बोलता है दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से अच्छे तरीके से समझ लिया है। If we consider the example of a transparent box, हमने example ले लिया, उदाहरण ले लिया, जिसका जो ये box है transparent box का, इनका example लिया, उदाहरण लिया, carrying a YouTube with mercury, जो ये बड़ी जो ये YouTube है, क्या है इसके अंदर क्या है mercury है ना, mercury का मतलब होता है पारा, mercury है ना, drying agent like anhydrous calcium chloride। मैनोमीटर है, जैसे ये मैनोमीटर है ना, और ये जो ये क्या है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखिएगा और फॉस्फोर पेंटोक्साइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड या फिर फॉस्फोर पेंटोक्साइड। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है, इस प्लेस फॉर अ फ्यू आवर
कुछ घंटों के लिए हमने स्कूल रख दिया है ना, फॉर अ फ्यू आवर है ना। अब आगे देखिएगा, फॉर अ फ्यू आवर्स इन द बॉक्स आफ्टर मूविंग द ड्राइंग एजेंट बाय टेलिंग द बॉक्स ऑन वन साइड। जो ड्राइंग एजेंट है उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है ना। तो रिमूव द ड्राइंग एजेंट बाय टेलिंग द बॉक्स वन साइड, एक साइड से। अब वॉच ग्लास और पैट्री डिश, ये वॉच ग्लास या फिर पैट्री डिश डिस्पोटर हमने इसको मान लिया। प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स कंटेनिंग बॉटल्स, इसके अंदर पानी है जो बॉक्स के इनसाइड रखा है, इनसाइड ठीक है। क्विकली प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द मर्करी लेवल इन द राइट लिंब ऑफ द मैनोमीटर। जो हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो हमने ऑब्जर्व किया जो मरकरी लेवल था, जो पारे का जो लेवल था, सतर था जो पारे का, जो पारा है जो मरकरी का सतर था ना, जो मरकरी लेवल था, मरकरी लेवल स्लोली मैनोमीटर स्लोली इंक्रीज एंड फाइनली अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज जो मर्करी का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट ठीक है। जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट वैल्यू। दैट इज द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज एंड रीच अ कांस्टेंट। जो प्रेशर है बॉक्स के इनसाइड में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज, जो प्रेशर है बॉक्स के इनसाइड में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आगे देखिएगा, एट रीच कांस्टेंट वैल्यू, और वैल्यू है जब वो कांस्टेंट हो जाती है। आल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है पानी का, जो वॉल्यूम है इसमें, जो वॉच ग्लास या डिश वाटर हमने माना था, वॉच ग्लास में डिश वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ना। इनिशियली देर वाज नो वाटर वेपर, इसके अंदर कोई जो वाटर वेपर नहीं होते है ना, वाटर वेपर जो वाटर वेपर होते हैं, भाप होती है ना, वो नहीं बनते है ना। इनसाइड द बॉक्स एज वाटर एवेपोरेट द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर। जो वाटर एवेपोरेट वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, किसकी वजह से इंक्रीज होता है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर एड है ना, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे कि ये बनाया हुआ है, ये आप ध्यान से देख सकते हो, जो ये इसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये यूट्यूब है, जो डिश वाटर है, ये इसका आप पढ़ सकते हो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में, इसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हो, ये बताया गया है। तो जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल इनटू द गैसेस फेज इनसाइड द बॉक्स द रेट ऑफ वेपोरेशन इज कांस्टेंट। जो रेट है वेपोरेशन का वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है, कांस्टेंट। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, जो रेट है प्रेशर की इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे देखिएगा, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन टू वॉटर, वेपर से वॉटर के अंदर, फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन देयर इज नो नेट इवेपोरेशन, इसके अंदर कोई नेट इवेपोरेशन नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसेज स्टेट इन टू द लिक्विड स्टेट आर ऑल्सो इंक्रीज। जो नंबर है वाटर मॉलिक्यूल का लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट के अंदर है, द नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल गैसेज स्टेट इन टू द लिक्विड गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आर ऑल्सो इंक्रीज टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। और जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम इसके अंदर आ जाता है।
रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो इसने क्या बोला है। आई होप आपको ये डायग्राम है जो जो ये मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको ध्यान में देख लीजिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, तो आगे देखिएगा कि क्या बोलता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इज इक्वल टू कंडेंसेशन सेशन। किसने ये बोला, जो रेट है इवेपोरेशन का किसके इक्वल है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल है। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जैसे H2O लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या आएगा H2O वेपर, जैसे H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम H2O तो ये देखिएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड है लिक्विड में तो इक्विलिब्रियम में जाते हैं, किस में चेंज हो गई वेपर में। तो आगे एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर और भी लेट अ गिवन टेंपरेचर में कांस्टेंट, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। किसने क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्टेड by the water molecule at equilibrium pressure exerted by the water molecule at a given temperature with constant at a temperature remains constant। मैं जल्दी जल्दी में लिख रहे हुए हैं, जो राइटिंग है वो काफी टाइम हो गया, मतलब बोर्ड पे मतलब प्रैक्टिस जो छूटे हुए, इसलिए मतलब राइटिंग जल्दी जल्दी में आ रही है। कोई बात नहीं, आगे अपने को मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे है ना, आपको करवाएंगे तो राइटिंग अच्छी होती जाएगी है ना, तो आप मैनेज करना कोई बात नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट है ना, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज विद टेंपरेचर इफ द अबव एक्सपेरिमेंट is repeated with methyl alcohol, acetone and ether, it is observed that different liquid have different equilibrium vapor pressure at the same temperature and the liquid which has higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point। जो vapor pressure हो जाता है more volatile और जो boiling point है वो low हो जाता है। If we expose this three watch glasses containing separately 1 ml each of acetone
हमने 3 गिलास लेंगे, ये उसके अंदर 1 ml एसीटोन है जो वो डाल दी है। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर टू एटमॉस्फेयर एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन वार्म रूम। जो अलग अलग कहते हैं डिफरेंट वॉल्यूम वॉल्यूम है जो वो अलग अलग होगी है ना। इट इज ऑब्जर्व हमने ऑब्जर्व किया दैट इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपीयर एंड द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटली वेपोरेशन डिपेंड। जो टाइम टेकन कंप्लीटली वेपोरेशन का वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, द नेचर ऑफ द लिक्विड लिक्विड के नेचर पे कि लिक्विड का जो नेचर है वो कैसा है, द अमाउंट ऑफ द लिक्विड अमाउंट लिक्विड की कितनी अमाउंट है, द टेम्परेचर उसका जो टेम्परेचर, द रेट ऑफ वेपोरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द मॉलिक्यूलर डिसअपीयर इनटू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम एज अ कंसिक्वेंस द रेट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट इज मच लेस। जो रेट है कंडेंसेशन का वेपर से लिक्विड स्टेट के अंदर वो मच लेस मतलब कम है ना, कम है मच लेस देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन किससे कम है। जो दोबारा देखिएगा एज अ कंसीक्वेंस द रेट ऑफ कंडेंसेशन जो कंडेंसेशन का रेट है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट का वो कम है देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इवेपोरेशन के रेट से कम है। दीज आर ओपन सिस्टम है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। और इक्विलिब्रियम बोलता है कि ओपन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है संभव नहीं है। अब आगे देखिएगा वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर 1.013 bar एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज वेसल के अंदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1.013 bar प्रेशर कितना है 1.013 फॉर एनी प्योर लिक्विड के लिए एट 1 atmospheric प्रेशर 1.013 bar द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड द वेपर आर एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एक बार देखिएगा इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसकी डेफिनेशन लिखिएगा एक बार ध्यान से एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखिएगा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। तो वो जो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये देख लेना तो उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे। क्या है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ना क्लियर है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलता है देखिएगा वोटर दोबारा वोटर एंड वोटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। वोटर एंड वोटर वेपर किसके अंदर है इक्विलिब्रियम के अंदर है। पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना 1.013 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज वेसल क्लियर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वोटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 बार प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है एट 1.013 बार प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर आर आगे बात समझ में देखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखिएगा द
पॉइंट ऑफ वॉटर 100 degree Celsius है ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर 100 degree Celsius एट 1.013 bar प्रेशर एट 1.013 bar प्रेशर एट 1.013 bar प्रेशर विच द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम विच द लिक्विड एंड विच द लिक्विड एंड विच द लिक्विड एंड लिखेगा विच द लिक्विड एंड वेपर वेपर आर एट इक्विलिब्रियम आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एट वेपर आर एट इक्विलिब्रियम ये क्या है इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम आर एट इक्विलिब्रियम है ना इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द इज इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है ना इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड तो ये है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एक बार ध्यान से देखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट कितना 1.013 बार प्रेशर विच द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड एंड वेपर है वो किस चीज में इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो क्या है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का क्लियर है एक बार इसको ध्यान से देखिएगा दोबारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से देखिएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं दोबारा बता दूंगा आपको देखिएगा ध्यान से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट इतना 1.013 बार प्रेशर विच द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड एंड वेपर है वो किस चीज के अंदर इक्विलिब्रियम में इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो क्या है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का क्लियर है आगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब आगे ये क्या बोलता है जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना आगे इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस और किसके एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज अगर एल्टीट्यूड हाई आ गया तो इसका मतलब क्या है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो आगे कल हम करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है ना तो हमने आज आपको प्रोवाइड मैंने करवाया आपको लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पूरा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करवा दिया
तो उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट इसके वो बताए थे एनहाइड्रिन ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये बता दिया आपको है ना। अब जो ये इसके अंदर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एट 1.013 बार प्रेशर व्हिच द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्लियर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है जो यह डिपेंड करता है ना। तो उसके बाद है अपना सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, एक बार करवाई देता हूं है ना आपको। तो कल करवाऊ, कल ही करवा दूंगा, तो आज के लिए एक बार आप ध्यान से देख लेना। तो आगे कल हम करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी, तो एक बार इसको एक बार ध्यान से देखना, तो हम कल आगे करेंगे। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस कैसी लगती है एक बार कमेंट करके बताना है ना। और अगर आपको मेरे पास इन नेक्स्ट सेशन या अपने पास मतलब ट्यूशन रखनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 8295314249, 8295314249। प्लस वन एंड प्लस टू के लिए केमिस्ट्री एंड 9th 10th के लिए साइंस, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम कल करेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।